الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال تعالى نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے بے شمار ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگو اللہ تعالی دا بے حد شکر ہے جس مالک نے اس گئے گزرے دور اندر سانو اپنے گھر وچ آن دی توفیق عطا فرمائی ہے اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا انشاءاللہ ہمیشہ تو ہی بات چلی آ رہی ہے اپنے گھر کوئی اونوں اس حد جدن کسے نوں پیار ہو کدی کسے دشمن نوں اپنے گھر نہیں سدیا معلوم ہوندا ہے آدھرے دوست بزرگ اللہ دے گھر چاہے ہیں اللہ مالک نے آن دی توفیق دیتی آتے آئے اللہ پاک سبنا دانا قبول فرمائے ایک دعا کر دے بھی اللہ کر کے زفر دیا لیٹ بجھ جائے اے تن
बस आपका उल्लू सीधा करता है मुकर्र भावे बंदे दिसन ना दिसन जदों तक अखा च अखा ना ना पईए ते गल दा लुत्फ कोई नहीं आता। यह जे बंद मैं करावा तो बंदे चार लै आता भी जरूर चलन दो अन्या करता अल्लाह जानता मौलविया अल्लाह इन हदायत दे। भाई यूसुफ साहब अल्लाह उन्होंने वालिद की कबर मुनव्वर फरमाया पिछले दिनों सुनया फौत होया चाचा सदीक और दीगर साथियों ने मैनू हुक्म दिता है हजरत मूसा अलैहि सलाम और जनाब शुएब अलैहि सलाम का किस्सा सुनाना है। यार जड़ी ना वाहवा ना होवे तेरी मेहरबानी अल्लाह तेनू जजा खैर दे। मैं इंशाल्लाह कोशिश करांगा कि जनाब मूसा अलैहि सलाम का किस्सा तुहाडे सामने मुक्त सर जारद करां। दुआ करो अल्लाह पाक सुन सुना के अमल की तौफीक अता फरमाए। एक हुक्मरान ऐसा जालिम हुक्मरान सी जिन्ने अपनी कुर्सी चा के ना कुर्सी की मजबूती दे चा चा के उन्हें दावा कर दिता कि अना रब्बुकुमुल आला सारे तो वड्डा रब मैं ही हाँ। यह दावा सिर्फ यानी कि वड्डा रब होने का दावा सिर्फ फिरौन ने किया है। वैसे तो खुदाई दावा कई बंदे करते हैं लेकिन वड्डा रब होने का कुरान ने दसिया है कि यह दावा सिर्फ फिरौन ने किया है ते अल्लाह पाक ने ना ओदी हलाकत का सबब ओदी तबाही का सबब किस तरीके नाल बनाया। उन्हें एक ख्वाब आई ते ख्वाब की है ख्वाब की ताबीर नजूमिया को पुछदा है ते कहंदा है कि मैनू यह ख्वाब आई है एदी ताबीर दसो एदी ताबीर की। नजूमी कहन लगे इस ख्वाब की ताबीर है कि बनी इसराइल के घर विच ना एक बच्चा पैदा होएगा जेड़ा तेरी हकूमत तबाह कर देगा तेरी सल्तनत खत्म कर देगा। ये कहन लगा मैं फिर बनी इसराइलिया कर बच्चे पैदा ही नहीं होंदे ने खुदाई दावा जो कीता कहंदा मैं बनी इसराइलिया दे कर बच्चे पैदा ही नहीं होंदे ने ते अल्लाह की फरमांदे ने अल्लाह फरमा देने वानुरीदो अन्ना मुन्ना अल्लज़ीना इस्तुज़िफू फिल अर्ज़ वले नजालहुम आइमतन व नजालहुमुल वारिसीन। एदा प्रोग्राम बन गया कि मैं अपनी कुर्सी सदों ही कायम रखा। अल्लाह फरमांदे ने साडे इरादे बन गए इन्ने मूसा अलैहि सलाम दे मारन दे प्रोग्राम बना लै असां बचाण दे प्रोग्राम बना लै साडा भी इरादा बन गया कि यह जिस पैगंबर नू जिस बच्चे नू मारना चाहता है जे मैं पैदा करके एदे कर पाले आना ते मैनू रब किस कहना है जे मैं मूसा अलैहि सलाम नू पाले आना एदे कर पैदा करके पाले आना मैनू रब किस कहना है। अल्लाह पाक ने जनाबे मूसा अलैहि सलाम नू पैदा फरमा दिता मां बेचारी डरदी पई है हुणे जल्लाद आणगे अखां दे सामने मेरे बच्चे नू ज़बा कर देंगे। अल्लाह पाक दा कुरान कहिंदा है वा औहैना इला उम्मे मूसा अन अर्ज़ईहे फैज़ा खिफ्ते अलैहे فَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اسی موسیٰ نبی دی ماں دے دل چے گل پا دتی नी मूसा दिए माए अपने पुत्र नू दुध पिला दी रह अपने बेटे नू दुध पिला दी रह
फायजा खिफते अली है जदों तनू फिरौन ते फिरौन दिया सिपाहियां दा फिरौन दे सिपाहियां दा डर लगे फिरौन दे सिपाहियां दा खतरा महसूस होए अल्लाह पाक फरमांदे ने ऐ मूसा दी माए इनू दरिया दियां लहरां च रोड़ तू देवी इन्ना रादू होई लई के अल्लाह फरमांदे ने ऐ मूसा दिए माए दरिया च रोड़ तू देवी ते इनू वापस मैं मोड़ देवांगा तू दरिया च रोड़ दे मैं बचा लवांगा क्यों जो रब बचाया ते बच सकदा है कि नहीं। मौलाना खादम रूम ने बड़ी प्यारी बात लिखी कहंदे ने डिग पैन आसमान तो नहीं मरदे डिग पैन आसमान तो नहीं मरदे बूटा जिन्ना दे रिज़्क दा हरिया होवे ओनू दरिया भी कदी नहीं रोड़दे ने ओनू दरिया भी कदी नहीं रोड़दे ने हाथ कुदरत ने जिस दा फड़िया होवे ओनू दरिया भी लोरियां देंदे ने जिन्हू अल्लाह बचाना चाहे ते किथे जनाबे मूसा नबी पहुंचे हजरत मूसा अली सलाम फिरौन दे घर पहुंच गए फिरौन दे घर अल्लाह पाक ने पालना शुरू कर दिता ओदी कुदरत दे कमाल वेखो तनखा फिरौन दिंदा है मूसा अली सलाम दी मां अपने पुत्र नू दुध पिलांदी है तनखा ओ दिंदा है दुध पुत्र अपने नू पिलांदी है अल्लाह दा कुरान कहिंदा है जदों जनाबे मूसा अली सलाम जवान हो गए पूरी जवानी नू पहुंचे हजरत मूसा अली सलाम कोलों एक बंदा मर गया एक कुदरती तौर ते एक बनी इसराइली एक फिरौनी झगड़ रहे सन मूसा अली सलाम छड़वान लगे फिरौनियां दा बंदा छोड़दा कोई नहीं सी उन्हें समझिया मैं इक्तदार पार्टी दा बंदा वां मैं हकूमती पार्टी दा बंदा वां औखा औखा होया अल्लाह दे पाक पैगंबर मूसा अली सलाम जवानी सिर ते पैगंबर बनने वाले ने नबी च ताकत अल्लाह पाक ने चालियां बंदियां जिनी पाई हुंदी है कुरान कहिंदा है फवाकादाहू मूसा फकजा अलैहि हजरत मूसा अली सलाम ने इंज करके ओ जिहड़ा फिरौनी बंदा सी ओनू मुक्का मारिया ते कुरान कहिंदा है उसकी जान निकल गई इको मुक्के नाल ही बंदा मर गया अल्लाह अकबर अल्लाह ए पैगंबर दी ताकत हुण ते साडे ताकतां फिर इनियां कु ने डालडा घिओ खा खा के किसे नू चार चा मारन ते गुट निकल जांदा अगले दिन मैं एक जगह ते बैठा वो बिल्ली गुट चढ़ाउण आया बैठा पुछिया ना उहना भी तेरा गुट निकलिया किवें कहिंदा शागिर्द नू चाट मारी यानी कि ताकत ते मूसा अली सलाम दी ताकत कुरान कहिंदा फवाकज़हु मूसा मूसा अली सलाम ने ना खिच के जोर दी ओनू इक मुक्की मारी ना उथे कंड पर ने जा पता जान निकल गई मशहूरियां हो गईयां फिरौन दी असेंबली च ए बात पहुंच गई के मूसा बंदे मारन लग पे फिरौन ने हुक्म जारी कर दिता मूसा अली सलाम नू फड़ के कतल कर दियो मूसा अली सलाम नू मार दियो ते इस असेंबली दे अंदर फिरौन दी असेंबली दे अंदर एक नेक बंदा भी सी ओने उथों दौड़ लगा दित्ती दौड़िया दौड़िया जनाबे मूसा अली सलाम दे कोले आया ते आके कहंदा हजरत जी इन्नल मला या तमरूना बेका ए आके कहंदा हजरत जी अज फिरौन दी असेंबली च ए बिल पास होया है फिरौन दी असेंबली च ए बिल पास होया है कि मूसा अली सलाम नू कतल कर दियो फखरुज इन्नी लका लमिनन नासे ही तुसी मिस्र चो निकल जाओ मैं तुहाडा खैर खावां मूसा अलैहिस्सलाम निकल पै कुरान कहिंदा है
فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ। मौली अब्दस्तार मरहूम ने आज तर्जमा किया, अल्लाह उन्हें कब्र मुनव्वर फरमाया। आंदे ने मूसा चले आ पैर पे आदा, मूसा नठे आ पैर पे आदा, ते पल्ले खर्च न कोई, न सिर ते पग न पैरी जुती, डाडी मुश्किल होई, किधर नु मुंह हो गया। कुरान कहता है वलम्मा तवज्जह तिलका मदियन, हजरत मूसा नबी दा मदियन दे इलाके वेले मुंह हो गया। रब दे पैगंबर मूसा अलैहि सलाम नाले नठे जा रहे ने, नाले काला रब नाल मिलाइया ने, की कहंदे ने, असा रब्बी अय्या दे यानी सवास सबी, करीब है मेरा रब जड़ा मैनू सीधे राह सीधा रास्ता दिखाएगा। जनाबे मूसा अली सलाम नठे जा रहे ने, जांदियां जांदियां मदीन के इलाके पहुंच गए। कुरान कहता है वलम्मा तवज्जह तिलका मदीन, जद मूसा नबी मदीन के इलाके पहुंचे, वाजादा लई है उम्मतम मिन नास यस्कून, की वेखदे ने मरियम दे इलाके मदीन दे इलाके च इक कुआं है, खूह ते पहुंच जांदे ने, की वेखदे ने लोग अपने अपने मालां नूं पानी पिला रहे ने, इक पासे की वेखदे ने वावाजा दा मिन दूने मुमरा तईने तजूदान, इक पासे वेखदे ने दो बीबियां अपनियां बकरियां नूं रोक के खड़ियां ने, इन्हां दियां बकरियां वी तिसियां ने, गिल्ली जमीन ते अपनियां जबानां पियां रगड़दियां ने। अल्लाह दे पाक पैगंबर मूसा नबी देखते ने, एडी गंदी कौम है, इन्होंने वधिया पानी डोल दिता है, इन्हां बीबियां दियां बकरियां नूं नहीं पिलाम दिता। आप फरमांदे ने मा खतबो कुमा, मां खतबो कुमाल नी बीबीओ गल किए, ये सारे बंदे आए ने तुसी औरतां क्यों जे, ये बीबियां रो पैंदियां ने आंदियां ने, काला ताला नस्की हत्ता युसदर रिया बाबू नाम शेखुन कबी, आप फरमाते ने तुसी बीबियां क्यों जे बंदे क्यों ने, ए बीबियां कहन लगियां वे वीर गल सुन ले, बाप साडा बुढ़ा है ते भरा रब ने दिता ही कोई नहीं, दुआ करो जिन्हां भैणा कोले वीर कोई नहीं अल्लाह नेक वीरे अता फरमाए, पर अल्लाह मर्जी आ लैन किसे नूं बारह बारह कट्ठे ही दे दिंदा, कई एक नहीं दिता। मैं पिछले साल सऊदीया गया, अल्लाह तुम्हें भी लै जाए, उ एक जगह से ना मैं तकरीर करने वास्ते लै गया, तो मैं उन्होंने को पूछा भी एक किन्ना दा कैंप है, वह कह लगे जी ये बिन लादन कैंप है, ओसामा जरा रहा ना अफगानिस्तान चे भाइयों का कैंप है, तो उ एक अफसा अफसा नफिया साहब, मैं उन्होंने को पूछा अफसा भी भरा किन्ने ने, अल्लाह जानता मसीते बैठे हम, वह कह लगा मौली साहब 65 भरा ने, किन्ने भरा ने, ते आज जेड़े शाह फैदुरी ने ना 45 भरा तो यही ने 45, ते किते एक दे मुंह नूं को तरस रहा, मौलन ने बड़ी प्यारी बात लिखी ने, कहंदे ने बुढ़ा बाप शुएब ते पुत कोई नहीं, हुण कईआं मौलवियां नूं इख्तलाफ हो गया कि वह हजरत शुएब अलैहि सलाम नहीं सन, उन्हां दी तहकीक इत्थों तक पहुंच गई है, वह स्टेजां ते कहंदे ने कि मौलवी झूठ मारदे ने, हालांकि बड़े बड़े मुअर्रखीन ने लिखिया कि वह जिहड़ा मदीन च जिंदियां बच्चियां पानी पिलाने वास्ते जांदियां सी ना, वह हजरत शुएब अली सलाम ही सन, बाहर कह चलो शुएब नहीं सन, कोई और अल्लाह का नेक बंदा होना
इख्तलाफ करने वाली एडी वड्डी गल ते नहीं, पर कई मौलवी ना स्टेज ते अपना इलम दसन वास्ते दूसरे उलमा कराम ते फतवा ठोकते ने जी बिल्कुल झूठ। की ख्याल है मुअर्रखीन ने मुहद्दिसीन ने झूठ लिखे? कसुल अंबिया किताब उन्होंने बड़ी तहकीक तो बाद लिखे और बड़ी तहकीक तो बाद लिखते हैं कि जेड़ियां वो बकरियां चारन वाली बीबिया सी ना वो हजरते शुएब अलैहिस्सलाम दी बेटियां सी। ये अल्लाह की मर्जी, बुढ़ा बाप शुएब ते पुत कोई नहीं, पईयां बेटियां बकरियां चार दियां, भला नहीं शुएब दा दिल करदा चखे लज्जतां इस बहार दियां, ओनू कौन पुछे तू ए की करना है, ये ते मर्जियां रब गफार दियां। ओए दारे असल अकीदे दिया गंदियां ने शाना समझियां नहीं किरदकार दियां। अल्लाह अपनी मर्जी वाला है, किसे नूं औलाद देवे किसे नूं नवे देवे, किसे नूं बहुते देवे किसे नूं थोड़े देवे, किसे नूं रिज़्क बहुता देवे किसे नूं रिज़्क थोड़ा देवे, हकूमत दे देवे फकीरी दे देवे। ये गलियां च रुलिया फिरे मौला ने बड़ी प्यारी बात लिखी, कहिंदे ने किते गुज़र मुताबक भी बहुत मुश्किल, किते गुजर मुताबक भी बहुत मुश्किल, किते अगे वरतान नू दे छड़ दाए। कईयां बंदियां दी रोजी नहीं पूरी हुंदी, सारा दिन बेचारे मजदूरी करदे ते शाम नू मजदूरी पूरी नहीं हुंदी, किते गुजर मुताबक भी बहुत मुश्किल, किते अगे वरतान नू दे छड़ दाए, ना देवे ते चांदी दी छाप किदरे, किते सोना गल पान नू दे छड़ दाए, किते टाकियां पाटियां गल अंदर, किते पाटियां टाकियां गल अंदर, किते रेशम हंडान नू दे छड़ दाए, तंदुरुस्त किते तंदुरुस्त किते चाहे पैगंबर नू रोग लावे, जेकर चाहे पैगंबर नू रोग लावे, तंदुरुस्ती फिरौन नू दे छड़ दाए, तंदुरुस्त जे किसे नू रब रखे नहीं कोई ओस नू कर बीमार सकदा, झूठ बोल देने गलत आख देने कोई लेख विच मेख नहीं मार सकदा। क्यों जी कर सकदा कोई? अल्लाह किसे नूं औलाद ना देवे ते कोई दे सकदा? आ बाबा अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह लाहौर वाले दाता साहब जो लोग कहिंदे ने ना, जां उहदी सवानी उमरी पढ़ के वेख लो अल्लाह ने औलाद नहीं दित्ती। उंज मैं इक गल हैरान भी आपदे घर धी भी नहीं पैदा होई ते लोकां वास्ते मुंडिया का डिपू खोल छड्डिया। दुआ करो अल्लाह सही अकीदा नसीब फरमाए। ओ जेड़ा अपने घर बेटी नहीं पैदा कर सके वो किसे नूं मुंडा किवें दे सके? क्यों रब नालों बंदिया तू नाता तोड़िया, जिन्ने तेरा एक एक जोड़ जोड़िया। क्यों जी जोड़ किने जोड़े ने? देखो ना बैरंग फिट कर छड़े, ते जे किसी का गोडा ही जाम हो जाए कोई मां का लाल सीधा कर सकता? क्यों रब नालो बंदिया तू नाता तोड़िया, जिन्ने तेरा एक एक जोड़ जोड़िया, अखां विच मोती जड़े गोल गोल ने, सारे इख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। रब दा तू खावे ते हंडावे बंदिया, रब दा तू खावे ते हंडावे बंदिया, ओदे बिना सिर क्यों झुकावे बंदिया। ओ छड़ दे तू शिरक वाले बोल बोलने, सारे इख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने।
अल्लाह दे जनाब मूसा अलैहि सलाम फरमांदे ने मां खतबुकुम बीबी ओ गल की ए सारे बंदे आए ने तुसी बीबियां क्यों आईयां जे ए बीबियां कहन लगियां ला नस्की शाना बशाना होके असी बोके कटदे नहीं ए साडियां बकरियां नूं पानी नहीं पिलाउन देंदे आप फरमांदे ने तुहाडा भरा कोई नहीं बाबा क्यों नहीं आया ए बीबियां कहंदियां ने अल्लाह पाक ने वीर दिता ही कोई नी बाबू नाम शैखुन कबीर बाबू च बुढ़ा है भरा अल्लाह ने दिता ही कोई नी एक होर भी गल कहंदियां ने अकोले अलाका दुश्मन साडा जलसा वेखना की करना है अकुल अलाका दुश्मन साडा ये सारी मुसीबत है वीडियो दी ये मुंडे वीडियो बनाने वास्ते अगे बैठे मैं देश वाज इस जाना है बंद करवा देना परे वा बीजू है ना अकुल अलाका दुश्मन साडा ते पानी पीण नहीं दिंदा इस गल पारों जो बाप या साडा इको ही रब दसेंदा कुरान कहिंदा है फसका लहुमा ए पारा बोका ते पारा ही पत्थर ए पारा बोका पारा ही पत्थर ते मर्दा दा कम चाणा सुन कर गल्लां हैरान प्या होया मूसा नबी रुबाना अल्लाह दे पाक पैगंबर हजरत मूसा अलैहि सलाम देखते ने एक खूह ते बड़ा बदनी पत्थर दे गए बोका भी बड़ा बदनी है आफद इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते ने इतना बदनी पत्थर दस बंदे मसा परे करते सन बोका भी बड़ा बदनी जिन्हों दस भी बंदे कटते सन जनाब मूसा अलैहि सलाम हुण अठ दिन के भुखे ने दरख्तों के पत्ते खा खा के रंग भी पीला पै गया है अल्लाह अकबर अल्लाह पर पैग अंबर दी ताकत तो सदके जावा नाम रंग भी नबी दा पीला पै गया है इंज करके डंडे दी अड़ेस दे के जड़े पत्थर नूं दस बंदे परां करदे सी मूसा पैगंबर ने ठुड्डा मार के कल्ले ही परे कर दिता जड़े बोके नूं वी बंदे या दस बंदे करदे सन ओ लमका दिता ए बीबियां वेख रहियां ने ए नौजवान की करन लगा है इंज करके पुआणी पुआई नाल बोका कर दिता खुरली भर दित्ती आप फरमांदे ने बीबियों ए मैला पानी जड़ा अपने मटकियां च पाया जे ए डोल दियो चंगा पानी भर लो एना बकरियां नूं भी चंगा पानी पिलाया हुण पैगंबर दा तकवा देख लो किन्ना है नबी दा हौसला किन्ना है अल्लाह दा कुरान कह रहा है फसका लहुमा सुम्मा तवल्ला इला ज़िल्ले फकाला रब्बे इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर खूहों कड पिलाया पानी ते वल दरख्त दे धाया उपर जमीन दे रब परोसे जंगल डेरा लाया ते कुंडी अर्श वाले दी खड़का दिती आंदे ने रब्बे इन्नी लिमान दल ताए लिया मिन खैरन फकीर आंदे ने अल्लाह सोनिया मैं तेरा नबी तेरे दर दा फकीर अल्लाह मैं तेरे दर दा मांगत अल्लाह सोने रोटी रोटी अल्लाह मैनू भुख लगी है मालूम हुंदा है नबियां नू रोटी दी लोड़ पैंदी सी ते रब कोलो मंगदे सी छेड़ू छाड़ू इस जंगल दे सब करानू ने ताने मैनू भी तू
मेरे मौला लामी किते टकाने पैगंबर दा हौसला नबी दा तकवा किन्ना है ए नहीं आखिया बीबिया नू ए नहीं तरला लिया के पैना मैं एडी मेहनत नाल बोका कड़े है ते दो चार रोटियां ही खिला दिया जे ते या फिर ओंजू जवान सन दो चार बकरियां फड़ के चुंग लेंदे ओंजू आले रसूल खुड़िया चो कुकड़ कड़ के खा जांदे आखे ते पैगंबर बकरियां भी चुंग सकदा सी ना ते इना दियां बकरियां दा दुध पीता ते ना ही इना नू किया के दो चार रोटियां खिलाया जे पानी पिला के दरख्त दे थले जाके बह गए भी बोलदा दरख्त ते इहदे थले जाके बह गए आंदे ने रब्बे इन्नी लिमान अनसलता लैया अल्लाह सोणिया रोटी रोटी अल्लाह फरमांदे ने ऐ मेरे पैगंबर तू ते रोटी प्या मंगना है मैं रोटियां पकान वाली दा इंतजाम कर छड़िया है अल्लाह दे ने तू मेरे को मंग साई तू मंग के देख तू मंगदा ना थक मैं देंदा नहीं थकान पर सानू मंगने दा वाली नहीं आता ऐवें बस सीधा साधा मंगया गल बन गई ना बनी ते नास भाई जान रब को ता दिल ला के मंगना पैंदा है दिल ला के अल्लाह अकबर अल्लाह कहिंदे ने के हजाज बिन यूसुफ ने वेख्या ना भी बैतुल्लाह दे पासे आसे नबी ने आबद बैठे ने आबद ओने आ किवें बैठे जे कहन लगे जी अल्लाह कोल अखियां पे मंगणे अखां खराब ने ओने पुछया भी किन्ना चिर हो गया जे मंगदियां कोई कहंदा जी 10 साल हो गए कोई कहंदा 15 साल हो गए कोई किवें कहंदा ते हजाज बिन यूसुफ कहन लगा भी अखां मिल गईयां जे कहंदे ने अखां मिलियां ते कोई कहन लगा कल तक तुहानू मुल ते जे कल शाम तक तुहानू अखां मिल गईयां ते ठीक है नहीं ते तुहाडे सारे दीयां तौणा ला दीयां जाणगीयां मैं खर्चा बना छड्डिया जी ओना फिर रो के ना दिलों के रब अगे दुआ कीती या अल्लाह हुण ते मारे जावांगे असीं जे अखां ना सवेरे सारिआं नूं अखां मिल गईयां मतलब की के बंदा दिलों रब नाल गल करे ना ते फिर गल बनदी ओए मंगना ते पैंदा ही है रब कोलों अल्लाह जुल जलाल दी कसम है रब कदी मंगिया देंदा जे कदी बगैर मंगल तो भी दे देंदा सुनने अभी दाऊद दी रवायत है ऐसे अक्सर तलबाए कराम आए ने अल्लाह ना तालिब इल्मां दी उम्र च बरकत फरमाए मैं देख रहा सी जामिया विचों मदरसिया विचों काफी सारे तलबाए कराम आए ने अल्लाह पाक इन्हां नूं वड्डे वड्डे मौलवी बना दे ये मौलवी मदरसिया च बंदे नूं उत्तों आसमान तों बन के नहीं आ दिया ये दरसां दीआं रोटियां खा के ना ते सफा उत्ते रह के कारी सही फिर ही मौलवी बनते ने ये उत्तों बन के नहीं आते इन्हां तालिब इल्मां दी कदर करिया करो अल्लाह जानदा है ये बड़े कीमती जे तालिब इल्म शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह हां मियां नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह केड़े वेले याद आए ने जिथे लेटे ने अल्लाह करोड़ा रहमता नादल फरमाए कौन है मियां नज़ीर हुसैन अल्लाह जानदा है मियां नज़ीर हुसैन ओ मियां नज़ीर हुसैन है जिन्ने 80,000 बंदे नू सही बुखारी पढ़ाई 80,000 बंदे बुखारी पढ़ाने वाला ते सिर बुखारी नहीं सी पढ़ांदे सवेरे बुखारी पढ़ांदे सन मदरसे च ते रात नू ना स्टेशन ते जाके कुलियां दा काम करदे सी पांडियां दा काम सैयद अब्दुल्ला गदनवी रहमतुल्लाह अलैह इलम पढ़ने वास्ते गए मियां साहब दे मदरसे दाखला लैण वास्ते गए मियां साहब ने देखा ना कोई तालिब इलम ही लगता है ते मियां साहब कहन लगे तुसी किथे जाना है सैयद अब्दुल्ला गदनवी रहमतुल्लाह अलैह कहन लगे तुसी किथे जाना कहन लगे जी मैं मियां नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी दे मदरसे जाना मियां साहब फरमान लगे आ फिर अपना सामान मैनू चुकवा दियो मैनू मियां साहब दे मदरसे दा पता है मैं तुहानू उत्थे छोड़ के आना तालिब इलम दा सामान अपने सिर ते चुकिया किन्ने शेखुल हदीस ने मदरसे चले गए ते जाके कहंदे आ मियां साहब दा मदरसा जे जाओ जाके इलम पढ़ लो मदरसे चले जाओ सैयद अब्दुल्ला गदनवी रहमतुल्लाह अलैह कहन लगे बुजुर्गो तुहाडी मजदूरी किन्नी बनी किन्नी मजदूरी तुहाडी तुसी आकर स्टेशन तो मेरा सामान चुक के ले आयो ते मियां साहब फरमान लगे तुहाडे कोल मजदूरियां लैणियां ने तुसी ते ओ बंदे जे जिन्हां दे पैरां थल्ले नूरानी फरिश्ते पर बिछांदे
ਇਹ ਤਾਲਬ ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਤ ਜੇ ਤਾਲਬ ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂਰਾਨੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਪਰ ਬਿਛਾਉਂਦੇ ਇਹ ਤੇ ਜਾਮੇ ਮੰਦੀਆ ਜਾਂ ਦਾਰੁਲ ਹਦੀਸ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਚ एक अंसारी नबी पाक दी यूनिवर्सिटी च आप दे मदरसे च उन्हें दाखला लिया सी ओदा भरा एक जिम्मेदार वो आके उन्हें एवें एक दिन ना दबावे पिया सारा दिन मसीते बैठा रहना इत्थे कुरान पढ़ी जाना हदीस पढ़ी जाने मैं जिम्मेदार बंदा कदी मैनू कारोबार ही करवाया कर एवें समझो साडी बोली च वो कहन लगा कदी डंगरां नू पट्ठे ही पवाया कर कदी जनाब को पानी पिलाया कर इधरों नबी पाक तशरीफ लै आप फरमाते ने की गल है कहना जी मेरा भाई सारा दिन तुहाडे कोल मदरसे बह के पढ़ी जांदा है मैं जिम्मेदार आदमी हाँ खप जाना आप फरमाते ने इहनू कुछ ना कह हो सकता अल्लाह तैनू रोजी इहदी वजह करके दे रहा इन्हां तालिब इल्मां नू कुछ ना आख्या करो ओ काड़े वालियो हो सकता तुहाडे शहर च अल्लाह ने भाग ही इन्हां दी वजह करके लाए तो बाहर कर जनाब मूसा अलैहि सलाम दुआ मंग रहे फरमांदे ने रब्बे इन्नी हां मैं दस रहा सी अबू दाऊद शरीफ से लिखे आए किताबुर रिकाज किताबुर रिकाज सुनने अभी दाऊद दी दूसरी जिल्द नबी पाक दा एक सहाबी बार बैठा है एदी जेब खाली ते सोच रहा है या अल्लाह मेरी जेब खाली है ते कोल एक जंगली चूहे दी खुड सी अल्लाह पाक ने ओ चूहे नू खुड विचों आर्डर दिता ओ चूहे आ जड़े दिनार तू सांभ के रखे ने इत्थे मेरा एक वली अल्लाह आया बैठाई मेरे नबी दा सहाबी बैठाई तैनू ते लोड़ कोई नहीं मेरे नबी दे सहाबी दी खिदमत च पेश कर दे आ दिनार कट के ना लिया के सहाबी नू दे दे हुण चूहे ने ना चक च दिनार पा लिया खुड विचों जमीन दी तह थल्यों कढ के ना चक च पा के ते लिया के सहाबी रसूल दे गोडे को रख दिता फिर भज के खुड च गया एक दिनार होर लिया फिर गया एक दिनार होर लिया ये सहाबी वेख रहा भी चूहा करन की रहा है लोगों के पैसे चूहे लै जांदे ने ते मैनू अपने भी दित्ती जान दे लिया के उन्हें 17 दिनार नबी पाक दे सहाबी दे गोडे दे कोल रख दिते ते भज के फिर खुड च गया एक लाल रंग दा रुमाल सी ओदे च दिनार बद्धा ओ भी लिया के ना सने रुमाल ही कोल रख दिता ते आ पंज करके ना पुछर हलांदा हलांदा दौड़ गया मैनू ते एवें लगदा है जबाने हाल नाल ए नबी पाक दे सहाबी नू कह रहे हैं इन्ने कु खजाने दा अल्लाह ने मैनू चौकीदार बनाया सी मैं लिया के तेरी खिदमत च पेश कर दिता ये उन सहाबी सी ना अल्लाह से सहाबा वर्गा ईमान नसीब फरमाया इंज करके ना दिनार मुट्ठी च पकड़े ने ते सीधा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुरिया गया जाके कहंदा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोणिया चूहे दी खुड विचों 18 दिनार मिले ने क्या है मेरे वास्ते जायज ने कि नजायज ये सहाबी मसला पुछण दिया क्यों जी असी भी कदी इहो जिहा मसला पुछिया है आज सड़क तो ट्राला जो लंघा जाता वे गन्नियां दा ते मुंडा थब्बा को गन्ने खिंच के लै आवे ते रात नु सारे जी बह के चूसदे ने कदी पुछया भी जायदे कि नजायद माशाल्लाह मौलाना नासर मदनी साहब अल्लाह दी फजल नाल तशरीफ लाए ने दुआ करो अल्लाह पाक जवानी च बरकत फरमाए सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए उलमा वास्ते दुआ करया करो उलमा दियां जिंदगियां होणगियां ते इंशाल्लाह दीन भी जिंदा रहेगा अल्लाह उलमा दियां जिंदगियां ही बरकत फरमाए तो इस सहाबी ने ना इंज करके दिनार पकड़े ने सीधा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुरिया गया या रसूल अल्लाह ये मेरे वास्ते जायद ने कि नजायद आप फरमांदे ने ऐ मेरे सहाबी ये तू कढे ने कि चूहे ने कहंदा सोणियो मैं ते हाथ भी नहीं लाया चूहे ही कढे ने उंज तुसी जेड़े दो चार बैतल माल ली रखने रख लो बाकी मैनू दियो मैं इस्तेमाल कर लेना आप फरमांदे ने मेरे सहाबी सानू तेरे दिनारां दी लोड़ कोई नहीं तू दिनार लै जा मैं मुहम्मद बरकत दी दुआ फरमा देना नबी पाक ने बरकत दी दुआ कर दी तो भाइयों
मालूम होता है कदी रब को मंगना भी पैंदा है ता अल्लाह गल पूरी कर दे। जनाबे मूसा अलैहि सलाम कहंदे ने रब्बे इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। अल्लाह सोनिया रोटी अल्लाह भुख लगी है रोटी अनाथ फरमा देख उत्तों आवाज आंदी है ऐ मेरे पैगंबर तू रोटी प्या मंगना है असा ते तेरी वोटी दे इंतजाम कर दिते ने। जेड़े मुंडिया का विआह नहीं हुंदा दुआ याद कर ले ते मदनी साहब ये दुआ का वजीफा करिया कर। रब्बे इन्नी लिमा अनज़लता इलैया ते मौली अब्दस्तार मरहूम लिखते ने जमाल आवन दा वेला होवे हजरत उठ खलोवे हर बकरी नू सैब पैगंबर नाल हथां दे टोवे ते बकरियां डिठियां सूरजियां होईयां बकरियां डिठियां सूरजियां होईयां ऐ पर जिस दम लड़कियां आईयां ओना कोलों पुछन लगा कित्थों जे अज रजाईयां। जनाबे शुएब अलैहिस्सलाम वेखदे ने अज बेटियां वेले तो पहला भी आ गईयां ने बकरियां भी वेखियां ने रजियां होईयां ने आप फरमांदे ने बकरियां कित्थों रजाईयां जे अज वेले तो पहला भी आ गई जे ए बीबियां कहन लगियां अब्बा जी एक मर्द है नौजवान ऐसा इलाके का नहीं है कि तो दूर दुराडा उन्हें तेरिया गल्लां सुन सुन के साढ़े ते तरस किया है अब्बा जी उसे कल्ले ने बोका कढ़िया उसे ही पानी पिलाया अब्बा जी उन्हूं दरा दुआ दुआ ते दे छड़ो ना हजरत शुएब अली सलाम समझ गए इनिया ताकत वाला कोई हो सकता है रब का पैगंबर ही हो सकता है। हजरत शुएब अली सलाम एदा ईमान वेखन वास्ते अपनी एक बेटी नूं कहिंदे ने ऐ मेरी बेटी जा फिर उस बंदे नूं सद के लियाओ मैं उन्हूं मजदूरी दे छड़ा असी उहदी इन्नी मजदूरी भी नहीं रखना चाहते। अल्लाह का कुरान सुन लै ए बीबी कैसी एक फरमांदे ने फजा अत हो इधरों जनाबे मूसा अलैहि सलाम ने दुआ की दरमियान च वकफा ही कोई नहीं पिया बहुती देरी नहीं लगी उलमाए कराम नूं पता है तुलबा नूं भी पता है ये फादा कलमा उस वक्त आंदा है जो दरमियान च फासला ही कोई ना हो। अल्लाह फरमांदे ने फाजा अतो इहदाहुमा तमशी अलस्तेयाम बड़े हया नाल बड़ी शर्म नाल चलन वाली वह बीबी आई जनाबे मूसा अलैहि सलाम को मौलां च कहिंदे ने ओए आई एक दुआ थी तुर दी ऊपर तौर शर्म दे आखे बाप मेरा तैं सदे ओ देंदा ही अजर करम दे मूसा अजर न लेना चाहे मूसा अजर न लेना चाहे पर भुख ने बहुत सताया ए बीबी अल्लाह दा कुरान कहिंदा है बड़े हया नाल चल रही सी बड़ी शर्म नाल चल रही सी एदा हया अल्लाह पाक नूं इन्ना पसंद आया अल्लाह ने इस बीबी दे हया नूं कुरान बना के मुहम्मद ते नाज़िल फरमा दिता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत तक लोग पढ़ेंगे फाजा अतो इहदाहुमा तमशी अलस्तेया आई ए बीबी जड़ी बड़े हया नाल चलदी सी बड़ी शर्म नाल चलदी सी अल्लाह जानदा इस जमीन ते बड़ियां बड़ियां नेक बीबियां भी अल्लाह पाक ने पैदा कीतियां ने जिन्हां दे हयावां दियां मिसालां ने मिसालां अल्लाह ने कुरान च बयान कर छड़ियां ने। तरक्की का दौर नहीं सी ना उदो हूं तो तरक्की का दौर है ना आ बिल पास किए जा रहे हैं पता बिल पास करने का मतलब की बीबी जिन्हू चाहे अंदर करवा दे जिन्हू चाहे बाहर करवा दे
جو عزیز مصر دی بیوی نے نا یوسف علیہ السلام تے الزام لا کے اندر کرو ہاتھ تس آپ ہی پھر باہر کڈو ہنڈی اے ہن بے نسرا نا پاس ہویا دعا کرو اللہ اس ملک دے حال تے رحم فرمائے آمین میرے بھائی حضرت عمر فاروق دا دور ہے ایک نوجوان نا ایک بیوی دے دروازے کو بار بار لنگدا اے بیوی بڑی نیک اللہ والی حیا والی نکے بچے دے ذریعے سنا کر لیا ویر تو ساڑے دروازے کو بار بار لنگنا تے گل دس گل کی تینو تکلیف کی اے نوجوان نے سمجھا بھی کام کو بن گیا ہے جڑا انہیں سنیا کر لیا ہے نا کام بن گیا ہے اللہ اکبر اللہ اے بی بی کہنے لگی تینو تکلیف کی ساڑے بوئے کو بار بار لنگنے ساڑے دروازے کھلو کے چاتیاں مارنے اے کہندہ ہے بی بی میں تیرا دیوانہ ہو چکے عوام میں نو تیرا نا عشق ہو چکے آہون بھی کئی مجھے نا عشق ہو جاندہ ہے نا پھر اخبار تے لکھیا ہوندا ہے نکام عاشق نے چوہے مار گولیاں کھا لیاں نے اے نکام عاشق کئی نعرہ چھالا مار جاندے نے کئی گڑیاں تھلے سر دے دیندے دعا کرو اللہ نا منڈیاں نو ہدایت دے اے بی بی نوجوان اے گلی چو لنگن والا بھی نوجوان اے کہندی بی بی اے کہندی اے ویر تینو کی تکلیف اے نے اپنی گل دسی اے بی بی بڑی نیک کہندی اللہ دیا بندیا ایک گل تو میری من لے پھر جویں تو کہیں گا نا میں کرنا گی اے کہنے لگا بی بی میں تیری 10 گلاں منن لئی تیار ہاں تو گل کر گل کی کرنا چاہنی اے کہندی اے گل سن لے صبح دی نماز ہوے مسجد نبوی ہوے امیر المومنین عمر ابن خطاب امام ہون کچھ دن صبح دی نماز عمر دے پیچھے تو پڑھ پھر جویں کہیں گی کہیں گا میں کر لوں گا کیوں جی کیسا نسخہ دسے ہے کہیں دی مسجد نبوی ہوئے تے صبح دی نماز چونکہ قرآن زیادہ پڑھے جاندہ ہے نا اے عربی سی قرآن سمجھدا تے کہیں دی امام حضرت عمر ہون تے مسجد عمر پتا پل پلا کتھے جماعت کران دے بخاری چی لکھی ہے کائنات دے سردار نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روزہ تم میں ریاض الجنہ لوگوں میرے منبر تو لے کے میری عائشہ دے حجرے تک عائشہ نو دیکھو مقام کیڑا دیتا ہے اے نہیں فرمایا کہ میری عائشہ دے حجرے تک بلکہ حجرہ عائشہ صدیقہ نو کائنات دے سردار نے فرمایا میرے گھر تک ما بینا بیتی و منبری میرے گھر تو لے کے میرے منبر تک حالانکہ حجرتے اور بھی ہیں سن لیکن عائشہ صدیقہ طہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا دے نال میرے مصطفیٰ نو اینا پیارے عائشہ دے حجرے نو آپ فرمانے ما بینا بیتی و منبری میرے گھر تو لے کے میرے منبر تک آج جنی جگہ جنت دیاں باغا میں چو بھاگے اور ویرو اینج لگدا جی میں عمر جنت چو کھلو کے نماز پڑھا دے سن اے بی بی آن دی کچھ دن پڑھا نماز انہیں چاہی چاہی پڑھی ایک دن پڑھی دوسرے دن پڑھی تین چار دن پڑھی پھر اس گلی نہ لیں گے کرے پرلی گلی دو نمبر گلی چلا جا کر اے بی بی نے نا پھر کسے بچے دے دریئے سنیا کر لیا ویروں تے ساڑی گلی نہیں لنگنا تے پتا کی آندھا ہے بی بی جڑا نسخہ دسے آسا ہی وہ استعمال کیتا ہے میرے اللہ نے شفا عطا فرما دیتی دعا کرو اللہ حیاء نصیب فرمایا ہے اللہ شرم نصیب فرمایا ہونا کی چاہیدہ سی مولانا خادم مرحوم نے بڑی پیاری بات لکھی کہندے نے جنہ اندر وڑ کے بہنا سی جنہ اندر وڑ کے بہنا سی اینا شرم حیاء اتارے نے جنہ اندر وڑ کے بہنا سی اینا شرم حیاء اتارے نے ہتھاں وچ بٹوے بیک پھڑے اکھاں نال اشارے نے موڈے نال موڈا مار دیاں دعا کرو اللہ ساڑے حال تے رہیں فرما دے اللہ اس قوم نو غیرت نصیب فرما دے آ دیکھو قرآن کی کہہ رہے
فجاءت ہو احداہما تمشی الاستحیام جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعا والے ہاتھ چکے نے آندے نے روٹی اللہ سونے روٹی انہی دیر تک اے بی بی پہنچاں بیئے آندیے انہا بی یادو کا بے ویر تینو میرے ابا جی ساتھ دئی آپ فرما دینے تیرا بابا تے میرا واقف بھی کوئی نہیں کی کوے گا چھتی نل بول کے آندیے لے یاج دے یا کام اجرا ماس کئی تالا نام جڑا تو ساڑیاں بکریاں نو پانی پلایا اے دی مزدوری دینا چاندے نے موسیٰ علیہ السلام مزدوریاں نہیں سی لینا چاندے پر پوک بڑی لگی ہوئی سی اگے اگے بی بی تور پیندی ہے پچھے پچھے موسیٰ نبی تور پیندہ ہے اگر کریا جے دوستو اے بھی جوانے او بھی جوانے اگے نبی ساتھ دیئے پچھے نبی بننوالا ہے آواز چل رہی سی بی بی دیاں پینیاں ننگیاں ہو رہی سی بی بی دا گٹا ننگا ہو رہی سی بی بی شرم آ رہی سی آپ فرما دینے بی بی تو پچھے لگ جاؤں میں اگے لگ جانا وام ساڑا خاندان یو جا نہیں اسی قدی پرائیاں عورتان دیاں پنڈلیاں مینی بیکیاں اب صاحب لکھ دینے موسیٰ پیغمبر فرمان دینے بی بی چولی چا وٹے پالک راؤں پول جاؤں وٹے مار دی را داستی جائیں میں پرائی عورت دی آواز سننی بھی پسند نہیں کردا نارے تکبیر شانِ نبی حضرت مولانا محمد شریف صاحب الہ‌آبادی اللہ دے پاک پیغمبر موسیٰ نبی فرما دینے بی بی تو پچھے لگ جاؤں میں اگے لگ جانا ماں روڑیاں ہاتھیں پکڑ لے گل سن لے بھی راتے آن نال آدھرا تینو گل سمجھا دیا نا کائنات دے سردار پیغمبر نے فرمایا کوئی بندہ بی بیاں دا امام بنے بی بیاں نو جماعت کروا رہے ہیں کوئی مولوی صاحب بی بیاں نو جماعت کروا رہے ہیں آپ فرما دینے امام پھول جائیں جدو امام بھلے تے مقدی کی کہن دینے سبحان اللہ کہن دینے نا کی کہن دینے آج نے مولی بچارے کھپ جان دینے آنکھو سبحان اللہ پھر آنکھو کھپ جان دینے بچارے پر تسی پھر بھی نہیں کہیں دے اب آل ہی بول دیا الحمدللہ مینو اللہ نے عادت نہیں پائی تسی تو اڈا جی کرے آخلو نہ جی کرو نہ کیوں مدنی صاحب مدنی تو انو آکھنا آنکھو سبحان اللہ پھر آنکھو او تو انو پوری انشاءاللہ گردان قرآن کہنے سبحان اللہ کیا نیکی کے نیکی نبی پاک نے فرمایا ایک کرا سبحان اللہ کہ یہ جنت بوٹا لگ جانتا ہے ہون اگے امام بندہ ہے پچھے جماعت بی بیاں دی تے مولوی صاحب گانے پھولک تے نبی پاک نے فرمایا بی بی سبحان اللہ نہیں آگ سکتا سبحان اللہ نہیں آگ سکتا تے یا رسول اللہ پھر دسے کمیں امام پھولنو دسے کم آپ فرمان دینے اینج کر کے ہاتھ تے ہاتھ مار کے دس دینے مولوی جی پھولے جاندے ہو اور بی بی جی تے سبحان اللہ نہیں سننی جائز کیا پرائیاں عورتان دے گانے سننے جائز ہے کنجریاں دے گیت دے کنجریاں نہ ڈانس دیکھنا جائز ہے اللہ دے پیغمبر فرمان دینے بی بی تو پچھے لگ جاؤ میں اگے لگ جانا ہوں مولنا کن دینے اور جا پہنچے اس شہر دے اندر جتے شعیب نبی دی حویلی شعیب موسیٰ نو کٹ کر ملے آم جویں پرانے بیلی مل ملا کے نبی اللہ دیکھ پوچھ دائے شعیب روبانا اے شخصا توں کتھوں آئیوں کیڑی طرف جانا موسیٰ کہیں میں پردیسی میرا دیس نہ کوئی بیچ پردیساں تر دیاں پھر دیاں تو آڈی زیارت ہوئی تے جڑی بی بی لین لی گئی سی وہاں دیئے یا وہ بی بی بول کے کیاں دیئے یا آبات استاجر ہو یا آبات استاجر ہو انہ خیرہ من استاجر تل قوی الامین
ये लड़की बोल के आंदी है अब्बा जी बंदा ते रखना ही रखना है, मजदूर ता रखना ही रखना है, इनू ही रख लो, ये ताकतवर भी बड़ा है, ईमान भी ईमान वाला भी बड़ा है। पैगंबरे खुदा शुएब नबी फरमांदे ने बेटी तैनू किवें पता है इहदी ताकत दा तैनू किवें अंदाजा है। ये बीबी आंदी है अब्बू जी इस कल्ले ने भारा बोका कढ़िया सी, मैनू इहदे ताकत दा अंदाजा हो गया सी, इहदे ईमान दी गल सुननी उते मेरे कोल सुन लै। मैं ते जिस वेले आ रहा सी हवा चल रही सी, मेरा गिट्टा नंगा हो रहा सी, ए कहंदा सी बीबी तू पिछे लग जा, मैं अगे लग जाना वा, असी तुहाडे गिट्टे भी वेखने पसंद नहीं करदे। ता शुएब पैगंबर रब दे के आम ओए आया पारल भइए, है तू भी दुखिया ते मैं भी दुखिया, रल के दुखा नू वंड लईए, नाले बकरियां मेरियां चारन वाला, नाले बकरियां मेरियां चारन वाला लड़का भी कोई नहीं, तेरा लड़की नाल मैं निकाह करे सां, ते बकरियां तू चराई। हजरत शुएब अलैहि सलाम फरमांदे ने, हजरत मूसा नबी नूं कहिंदे ने, मूसा अलैहि सलाम ने सारी गल सुना दित्ती। फलम्मा जाअहू वकस्सा अलैहिल कसस, सारी गल सुना दित्ती। काला ला तखाफ नजौता मिनल कौमि ज़ालिमीन, जनाबे शुएब नबी फरमांदे ने हुण डरन दी लोड़ कोई नहीं, इत्थे उस बेईमान दी हुकूमत कोई नहीं। अल्लाहु अकबर अल्लाह। हुण जनाबे शुएब अली सलाम कहंदे ने इन्नी उरीदो अन उनके हका, एह दबना तैया हाथ ही ने अला अंता जुरानी समान आहे जज, फा इन अतमम ताशरन फा मिन इंदका वा मा उरीदो आना शुका लेका। सताजे दुनी इंशाल्लाहो, सताजे दुनी इंशाल्लाहो मिन सवालिहीन। जनाबे शुएब कहिंदे ने मैं चाहना तू मेरे घर ही रह पवे, तैनू मैं अपनी बच्ची दा रिश्ता दे छड्डां। ये कौन कह रहा रब दा पैगंबर? आंदा इन्नी उरी तो अन उनके हक, मैं चन अपनी बेटी का निकाह तेरे नाल कर दिया इस शर्त ते, अला अंता जुरानी समानी या हिज, जे तू साडियां 8 साल बकरियां चला। क्यों जी हुण किसे नूं आखे को बंदा भी मैं रिश्ता तैनू तां देंगा 10 साल मेरी दुकान ते नौकरी करते करेगा? हुण पता केड़ा दौर आ गया है। सुन लो ध्यान नाल, मैं आखिरी गल करके तुहाडे कोले इजाजत चाहां। आपने फरमाया कयामत दे नजदीक जाके मेरी उम्मत ते एक ऐसा वेला आएगा, मेरी उम्मत तीन काम करेगी, अल्लाह चार किस्म दे अज़ाब नाल करेगा तीन काम। वो काम केड़े केड़े ने? सुन लो, आप फरमांदे ने इज़ा अबगदन नास उलमाहुम, जदों लोग उलमाए हक्का दे नाल बूझ रखणगे, उलमा दा गिला करनगे, नमाज़ां पिछे पढ़दे ने, जुमे सुनदे ने, जलसे बड़े शौक नाल सुनदे ने, पर उस मौलवी दा गिला भी करदे ने। तुसीं तां उकाड़े रो नहीं ना करदे हो, अल्लाह तुहानूं बचाई रखे। नबी पाक ने फरमाया इज़ा अबगदन नासु उलमाअहुम, जदों लोग उलमाए हक्का दे नाल बुगज रखणगे। दूसरा काम आप फरमांदे ने जदों बेटियां बेटियां दे रिश्ते उधर करनगे जिधरों जहेज दी उम्मीद होएगी। क्यों जी एक काम हो रहा है कि नहीं? तीसरा काम आप फरमांदे ने मस्जिदां च बिरौन की होएगी, बाजारां च रौनक होएगी, मसीते विरले विरले बाबे वो भी जेड़े घरों तंग आ मसीते वो आके मौलवी नूं तंग करदे, जेड़े घरों नूं कोलों तंग होण ना या पुत्रां कोलों वो मसीते मौलवी नूं आके तंग कर। मौलवी जी टूटियां साफ कीतियां ही, उहनूं मौलवी रखिया ही कि मसीत दा खादम रखिया ही,
जे कोई मौलवी साहब अपने मर्जी नाल टूटियां साफ कर दे तो गुनाह भी कोई नहीं, कोई मदनी साहब कोई गुनाह है। अल्लाह सानू मसीतां नाल प्यार नसीब फरमाए। ते कई बाबे ऐसे ने उन्हां दा ध्यान ही घड़ी चुना मसीते आ जाण घड़ी जे ध्यान एक मिनट उत्ते हो जाण। ओ कारी साहब किथे गया है, मौलवी साहब किथे गया, चल फराना तू जमात करा। असीं लाहौर पढ़दे सन, एक बाबा उहदा नाम ही मुंडिया टाइम पीस रखिया सी, उन्हें मसीती उन्हें मुंडिया आखना टाइम पीस आ गया, उन्हें सुई ते सुई छड़ जानी ना, उन्हें मौलवी साहब किथे गन के सुन लो ध्यान नाल। ओए आलम दी इज्जत उत्ते ऐब जो थरेगा दिन एदे भी थोड़े आ मुशर्रफ दे इंशाअल्लाह दिन थोड़ी रिठ। आलम दी इज्जत उत्ते ऐब जो थरेगा, आलम दी इज्जत उत्ते ऐब जो थरेगा, सदर नासर दे वांगू जालम तड़फदाई मरेगा, कारून दे वांग मौला उस जालम नू फड़ेगा, सीकीती तोहीन उसने मूसा दी शान दी, आलम दी इज्जत समझो इज्जत इस्लाम दी। उंज मैं दुआ करना भी किसे मौलवी दे मुक्तदी ओदे खिलाफ ना हो, नहीं तो मैं सही बुखारी च पढ़िया जे जे एक किसे दे खिलाफ हो जाने तो नबी नू भी माफ नहीं जे कर दे। बुखारी शरीफ च लिखिया है मूसा अलैहिस्सलाम दे मुक्ति सन, एक ते मसला सुन लो भी उन्हां दी गिठ गिठ तों उत्ते दाड़ियां सी, फुट फुट दाड़ियां यहूदियां दी, यहूदियां दाड़ियां बड़ियां लंबियां लंबियां सी, जेड़े सफे अव्वल दे नमाजी सन मूसा अलैहिस्सलाम दे मुक्ति ते मूसा अलैहिस्सलाम बा हया नबी सन, बड़ी शर्म ते हया वाले नबी, कदे आपदे मुक्तियां सामने कपड़े लाए नहीं सी, यानी कि नंगे कदे होए नहीं सी। उन्हें आख्या भी ये जरा कपड़े साढ़े सामने नहीं ना ला दा, नंगा कदी हुंदी नहीं, यकीन ने ते जिस्म ते फुल बहरी आ, मूसा नबी बीमार आ ता साढ़े को नंगा नहीं हुंदा, हालांकि वो ते हया वाला नबी सी ना। मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन दरिया ते नहावण चले गए, बाहर कुलजम ते नहावण चले गए, ते सही बुखारी दी हदीस जे मजाक ना समझा जे, कपड़े ला के ना पत्थर दे उत्ते रख दिते, ते आप जो तो मूसा ने बिने मारी ना टुबी ना उन वास्ते, ते वो पत्थर नु वेखा तो कपड़े लग पज आ जा, वो पत्थर कपड़े लग पज, पिछो आवाज आ मर सौ भी या हजर सौ भी, ओए पत्थरा तैनू मेरे कपड़े दी लोड़ काधी, फड़ा रहा मेरे कपड़े, पर उन पत्थर नु तो रब टोरी ली आंदा सी, जो पत्थर भज्या ना जो भज्या वो बैतुल मुकद्दस जिहड़ा चौक सी ना जिथे सफे अव्वल दे नमाजी बड़िया बड़िया दाड़ियां वाले यहूदी बैठे सन उत्थे आके रुकिया। हुण मूसा अलैहिस्सलाम सोटा फड़िया नंग तड़ंगे वो भी पिछे, अल्लाह ने मैं क्यों वेखोगा मेरे नबी दे जिस्म ते कोई बीमारी है वे अल्लाह। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से च आके ना कपड़े पा के ना यानी कि उस पत्थर नु सोटे मारे ते पत्थर ते निशान पै गए। मेरे दसन का मतलब ये भी मुक्ति जे एक भी खिलाफ हो जाए ना मौलवी दे फिर आन गिला कर दे। ते नबी पाक ने फरमाया तिबरानी दी रवायत जदों लोग तीन काम करनगे उलमा दा गिला मसीता च बिरौनकी बाजारा च रौनक बेटियां बेटियां दे रिश्ते उधर जदों जहेज दी उम्मीद होगी चार आदाब आणगे केड़े केड़े अल जौहरो मिन सुल्तान पहला दावे होएगा कि जालम हुक्मरान होंगे। क्यों जी हुण दसोगा की हाल आ, डरदे नाम ही नहीं लेंदे फड़ के अंदर ना लै जान। पहला दाब जालम हुक्मरान, दूसरा दाब बाला अफसर राशि, सारे अफसर रिश्वत खो। क्यों जी ये भी दाब आया किसी, पहला दाब जालम हुक्मरान, दूसरा अजाब बाला अफसर राशि, तीसरा अजाब मेरे नबी फरमांदे ने चीजां दे भाव वध जाणगे। क्यों जी वधे अगे नहीं, किसे बाबे कोलो पुछोगा भी कौड़ा तमाकू की पा है, यानी कि हर चीज ही महंगाई। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दी तौफीक नाल रियाकारी वास्ते नहीं सिर्फ तुहानूं दसण लगा, एक दफा मैं 1987 च गया हज करन वास्ते, एक दफा पिछले साल गया मदनी साहब, उदों भी रुपये की किलो खंड ते हुण भी रुपये की किलो खंड, किते सऊदीया च जिथे कमाद दा एक किला भी नहीं ते मिल भी पूरे सऊदीया च कोई नहीं,
ਹੁਣ ਜੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮਿਲ ਲਾਈਏ ਉਹ ਵੀ ਪਾਸਿਓ ਰਸ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਨਾ ਚੀਨੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਚੀਨੀ ਉੱਥੇ ਰੁਪਈਏ ਕਿਲੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਚ ਇੰਨੇ ਕਮਾ ਦਾ ਬਸੂਰ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੀਨੀ ਕੀ ਭਾਅ ਇਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਲਮਾ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਜਾਣਗੇ ਪਹਿਲਾ ਅਜ਼ਾਬ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੂਸਰਾ ਅਜ਼ਾਬ ਬਾਲਾ ਅਫਸਰ ਰਾਸ਼ੀ ਤੀਸਰਾ ਅਜ਼ਾਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਚੌਥਾ ਅਜ਼ਾਬ ਕੈਦ ਛਾਲੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਲਮਾ ਦੀ ਕਦਰ ਦੀ ਤੌਫੀਕ عطا ਫਰਮਾਏ ਨਾਜ਼ਮ ਹਲਕਾ ਮੁਨੀਰ ਅਹਿਮਦ ਰਹਿਮਾਨੀ ਕੋ ਅੱਲਾ ਸਿਹਤ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਸੇ ਨਵਾਜ਼ੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ عطا ਫਰਮਾਏ ਬਿਮਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਸ਼ਫਾ عطا ਫਰਮਾਏ ਜਿਹੜੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਫਰਮਾਏ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਕਤਫਾ ਕਰਨਾ ਆਖਿਰ ਦਾਵਾਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ।